नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल फिर आपसे मुखातिब हूँ। चुनावी बिसात बीत चुकी है और हांसी के अंदर तकरीबन यानी कि प्रत्याशियों की तस्वीर बिल्कुल साफ होती नजर आ रही है। टोटल 3 राष्ट्रीय पार्टी में और 4 रीजनल पार्टी मिलाकर अभी तक 30 यानी कि लास्ट डेट तक 30 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं, जिसमें से यानी कि 23 आजाद उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी आजाद प्रत्याशी के रूप में आए हैं। आज स्क्रूटनी होनी है यानी कि 5 तारीख को और 7 को नामांकन वापस लेने की तारीख है। उसके बाद कौन मैदान में डटा रहेगा और कौन यानी कि अपना नामांकन वापस ले लेगा, तस्वीर में को सामने आ जाएगी। 3 राष्ट्रीय पार्टियों में कौन कौन सी हैं, कांग्रेस, भाजपा, BSP, उसके बाद कुछ रीजनल पार्टीज हैं, JJP है और लोजपा है, कम्युनिस्ट है, ऐसे कुल मिलाकर 4 रीजनल पार्टीज और 3 राष्ट्रीय पार्टी सामने आए और जिसमें से 23 उम्मीदवार जो हैं आजाद के। चुनावी माहौल गरमराता जा रहा है, रणभेरी में बिगुल बज चुका है, चुनावी बिसात बीत चुकी है। ऐसे में आज हमारे साथ एक रक्तदानी और चाय बेचने वाले, चाय की 30 साल है जिनकी, जब चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है तो चाय बेचने वाला अपना नामांकन फाइल करके विधायक का चुनाव क्यों नहीं लड़े। तो आइए राधेश्याम सैनी जी से बात करते हैं, जो एक चाय की 30 स्टार लगाते हैं और रक्तदान में उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए इनसे जानते हैं कि राजनीति, एक शब्द जब आता है तो कहते हैं कि राजनीति मत कर, राजनीति इतनी छिछोरी हो चुकी है, तो आपका मन कैसे बना, आपने क्यों नामांकन भरा और क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, किन किन इश्यूज पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, इन्हीं से जानते हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि आप आजाद उम्मीदवार के तौर पे मैदान में उतरे हैं, क्या बरकरार रहेंगे, किसी के कहने पे बैठ तो नहीं जाएंगे, या आपके मुद्दे क्या हैं, इन धुरंधर प्रत्याशियों के बीच में आप कहाँ खड़े पाएंगे, आइए जानते हैं। राधेश्याम जी, सबसे पहले तो सैनी साहब आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे हांसी की आवाज़ चैनल पर। धन्यवाद सर। आप 2 बार अपने नगर परिषद का चुनाव भी लड़े? हाँ जी, हाँ जी सर, मैं एक बार नगर परिषद का चुनाव लड़ चुका हूँ और मंत्री की लड़ाई मैंने लड़ी थी। रक्तदान कितने बार कर? मैं 73 बार रक्तदान कर चुका हूँ सर। प्रेरणा कहाँ से मिली? ये हमारे मित्र हैं रामनाथ भगवान जी, जो आज के टाइम में 107 बार रक्तदान कर चुके हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैंने काम शुरू किया था और आज मैं भी उनके प्रेरणा से 73वीं बार रक्तदान कर चुका हूँ और 2 बार SDM के समारोह पर 26 जनवरी पे छोटी सी 30 राज चलाता हूँ। राजनीति में मैदान में उतरने की ये प्रेरणा है? ये प्रेरणा सर बचपन से ही है, कहना मतलब शौक तो राजनीति का बचपन से ही है, मगर चुनाव लड़ने की मैं पहले भी एक बार MCO चुनाव लड़ चुका हूँ, तो अभी जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री का नारा सरकार ने लगाया हुआ है, तो ईमानदार मुख्यमंत्री ने शहर को, जैसे हमारे शहर को टिकट दी है, भ्रष्टाचारी के नाम से जैसे नारे लग रहे होंगे हर शहर हर जगह विरोध है उनका, विनोद जाड़ा जी, तो उन्होंने क्या भ्रष्टाचार कर दिया है? वो तो एक राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार हैं। वो मैं मानता हूँ, मगर जो हर जगह उनके चुनाव पे पुतले फूके जा रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं, हर जगह विरोध हो रहा है, हर यानी शहर का हर बंदा उनसे नाराज चल रहा है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने भी सोचा भाई चलो भाई आप भी नाराज हैं उनसे। हाँ बिल्कुल, जो सरकार ने जो ईमानदारी का नारा दे रखा है तो फिर भ्रष्टाचार को टिकट देना तो गलत है ना। तो आप किस मुद्दे पे उनको भ्रष्टाचार कहते हैं? भ्रष्टाचारी जो हमारा जो शहर का जो मेन वो है, मेम का बाग है, इसमें घपला किया है, जमीन बेच दी, तो ऐसे कई मुद्दे हैं क्या, मतलब जो पहले भाजपा की टिकट पे चुनाव जीता, फिर भ्रष्टाचार करके फिर वहाँ दूसरी पार्टी में चले गए, मतलब खा के जैसे भी। तो कांग्रेस के प्रत्याशी कैसे लगते हैं आपको? कांग्रेस के प्रत्याशी भी ठीक है, बढ़िया है, मैदान में आए हैं। हाँ जी, उसके बाद JJP के प्रत्याशी भी? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? मैं, मेरा मुद्दा सफाई का है, जैसे शहर में सफाई व्यवस्था देख रहे हैं, हर जगह गंदगी, हर जगह नालियों में पानी भरा रहता है, मच्छर ज़्यादा होते हैं, इनका समाधान कराना, टूटी फूटी सड़कें हैं इनके ऊपर, इनकी वो सही, इनका विकास कराना। दूसरा युवा हमारा बेरोजगारी का मुद्दा ज़्यादा है, क्या बेरोजगारी की वजह से हमारा युवा भागता जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है, तो मैं ऐसा कोई बड़ा बिजनेस करके रिटायर बन करके ऐसा बड़ा बिजनेस करूँगा कोई, जो हमारे युवा साथी जो उसमें रोजगार दूंगा और उनको नशे से बाहर निकाल करके रास्ते मेन रास्ते पे ले जाऊंगा।
आप विधायक बन के बिजनेस करेंगे। बिजनेस यानी कोई बढ़िया उद्योग लगाऊंगा कहने मतलब? अच्छा हाँ जी हाँ उद्योग लगाए उद्योग लेके आऊंगा यहाँ शहर में एमएलए बनने के बाद। हाँ जी उद्योग लगाए क्या? हाँ हाँ हाँ। तो विधायक बनने के लिए कहते हैं कि बहुत खर्च करना पड़ता है, आप तो एक चाय की दुकान चलाते हैं। हाँ तो मेरे पास पब्लिक का सहयोग है, पब्लिक का आशीर्वाद है, पब्लिक का सहयोग अच्छा मिल रहा है। मैंने फेसबुक पे कमेंट डाले थे, काफी लोगों ने कमेंट किया और बंदों ने शाबाशी दी, बहुत अच्छा लगा। तो पैसे कैसे खर्च करेंगे? पैसे पब्लिक का होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। पब्लिक का आशीर्वाद तो आप खर्च कर ही सकते हैं, उसके बाद भी ऐसे दुकानदारों के बीच में आप कैसे? हाँ तो पब्लिक का आशीर्वाद मेरे साथ है, पब्लिक पैसा खर्च करेगी। क्या आप जातीय समीकरणों में विश्वास रखते हैं? जातीय समीकरण में मेरा कोई विश्वास नहीं है। फिर आपको छत्तीस बिरादरी का वोट कैसे मिलेगा? बिरादरी को सभी साथ लेकर चलूंगा, मेरा विशेष जाति को कोई विश्वास नहीं है। मैं श्रेणी हूँ या श्रेणी के वोट मेरे को चाहिए या मैं जाट हूँ जाट के वोट मेरे को चाहिए, ऐसा नहीं है। सभी जातियों को साथ लेकर चलूंगा। अच्छा हाँ जी। तो आप वो मुद्दे क्या हैं आपके चुनाव में? मुद्दे तो यही है जैसे नशे की युवा हमारा भटका जा रहा है, नशे की तरफ है, महिलाओं के तरफ ज्यादा छेड़छाड़ ज्यादा होती है, इनके ऊपर थोड़ा सख्त कानून बनाना, और जैसे सड़कें वगैरह हैं या नाली वगैरह हैं, इनके मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। आपके रक्तदान तक तो हमें बात अच्छी लगती है, तो ये बहुत बड़े रक्तदान है। बड़े आप गो सेवा में भी लगे हैं। बिल्कुल आपको रक्तदान की प्रेरणा लोहान साहब से मिली। हाँ जी। लेकिन राजनीति तो इतनी छिछोली हो गई है, इसमें बात बात पर राजनीति करना, आप इस दलदल में क्यों जा रहे हैं? इतना बड़ा दलदल भी नहीं है ये, राजनीति युवा से यानी युवा को आगे आना चाहिए, हमारा देश भविष्य है, युवाओं को राजनीति माना चाहिए कहना मुझे, एक अच्छी चीज ऐसी बात नहीं है। तो आप अपने बिल्कुल अस्वस्थ हैं जीत के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। मैं अपने आपको पूरा दमदार मानता हूँ, पूरी लगन के साथ पूरी मेहनत के साथ पब्लिक के जाऊँगा, डोर टू डोर जाऊँगा। अक्सर कहते हैं कि जो आजाद उम्मीदवार है वो बैठने के लिए ही भरता है। ना ना ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है, प्रलोभन के हम मानता हूँ ऐसे लोग होते हैं, मगर मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं मैदान में हूँ, लास्ट तक मैदान में रहूंगा और डोर टू डोर पब्लिक के बीच में जाऊंगा, प्रचार करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि किसी के पक्ष में बैठ के? नहीं नहीं ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई विचार नहीं है, ना ही मैं बैठूंगा ना ही मेरा कोई। क्या सैनिक समाज को किसी भी पार्टी ने ज्यादा टिकट दिए हैं? नहीं दिए हैं। हाँ सैनी समाज की वजह से टिकट किसी को नहीं मिली है, ये बीजेपी ने मेरी टिकट दी है सैनी को सिर्फ लाडवा की। अच्छा हाँ जी। और कांग्रेस ने भी कम दी है? कांग्रेस ने बहुत कम दी है। तो इसका भाव तो मलाल नहीं है? जो तो हाईकमान का फैसला होता है, जैसे वो सोच विचार करके ही टिकट देते हैं, ये कोई बिरादरी है वो तो मतलब नहीं है, बिरादरी को ही विशेष टिकट मिलेगी। जात बिरादरी से? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ आप और क्या यहाँ रेणुका मिश्रा भी रही हैं, हरियाणा जी सीपीएस रहे हैं, तीन योजना में भी चंपक्कर जी रहे, इन सब में किसको बढ़िया मानते हैं? अतर सैनी जी भी रहे हैं, तो ये सारे यहाँ हाँसी का विकास किसने करवाया? हाँसी का विकास पीछे जो भी विधायक रहे हैं एमएलए रहे हैं वो विपक्ष में रहे हैं, तो जैसे भी कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ कहना में लगभग पिछड़ा हुआ हाँसी हमारा काफी सालों से। जिला नहीं बनवाएंगे हाँसी? जिला बनवाएंगे बनाएंगे नहीं, बनने के बाद जिला बनवाएंगे। जिले की मांग भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जिले की मांग हो बिल्कुल जिला बनाएंगे हाँसी को। कार्यालय कब खोलोगे आप? कार्यालय में जैसे भी एक दिन निशान मिल जाता चुनाव चिन्ह में, उसके बाद जैसे चुनाव कार्य खोलेंगे। दमखम से? हाँ बिल्कुल दमखम से खोलेंगे, पूरे जोश में हूँ और मैदान में हूँ। आपकी धर्मपत्री जी ने हाँ बोल दी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ तो उनके विचार है कहने मतलब कि जाभी मेरी जरूरत पड़ेगी, जाभी मेरे को आप वोट दोगे 5 मिनट पहले मेरे को फोन कर देना, मैं बिल्कुल रेडी मिलूंगा। बड़े पैसे वाले और सरमाएदार लोग चुनाव? जी कोई मतलब नहीं है, कोई पैसे वाले ही चुनाव लड़ेंगे, गरीब आदमी चुनाव लड़ सकता है अगर सकता है। हाँ उनके बीच में आप अपने आप को कैसे पाएंगे? मैं बहुत तंदुरुस्त पाऊंगा, बहुत यानी फुर्ती से चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इस बात की। अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है चलने के लिए तो मैं साइकिल पर चलूंगा, अगर साइकिल नहीं है तो पैदल चलूंगा, डोर टू डोर अभियान करूंगा और पूरे जोश के साथ करूंगा। गाँव में बिल्कुल साइकिल भी जाऊँगा, जहाँ साइकिल ही जगह साइकिल भी जाऊँगा, जहाँ पैदल ही जगह पैदल जाऊँगा, चलूंगा क्या मतलब रुकूंगा नहीं। ये थे जज्बाती उम्मीदवार राधेश्याम सैनी जी, जिनका कहना है कि राजनीति में बिना पैसे भी चुनाव लड़ा जा सकता है। बिल्कुल लड़ा जा सकता है, दिल में अगर पैशन हो, एक जोश हो और एक लगन हो तो पब्लिक सेवा की। ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव पूरा साइकिल पे ही लड़ूंगा, गांव में साइकिल पे ही जाके डोर 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 प्रचार करूंगा। जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक चाय वाला विधायक क्यों नहीं बन सकता? इनका कहना है कि अब तक जितने भी यहाँ आए, विपक्ष के आए कुछ पक्ष के आए, लेकिन हाँसी के बारे में किसी ने नहीं सोचा, और हाँसी को जिला बनाकर बनाने की आवाज़ वो विधानसभा में उठाएंगे अगर जनता जनार्दन ने इनको मौका दिया।
धन्यवाद सनी साहब, आपने हमें बहुत अच्छा समय दिया और हमारे चैनल को आबाद भी किया है। आप जैसे निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ आते रहें और अपनी बात रखते रहें तो हम सबको मौका देते हैं यहाँ लाने का। लेकिन आपसे निवेदन यही है कि आपने जो बात कही है उस पर अटल रहिएगा, हमारे चैनल को बिल्कुल अटल रहिएगा। मित्रों, आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अब तक 30 प्रत्याशी मैदान में आए हैं और 5 तारीख की स्क्रूटनी होनी और 7 को नामांकन वापस लेने की है। धीरे धीरे तस्वीर सामने आएगी, कांग्रेस का, JJP का, इनेलो का, इनेलो का भी प्रत्याशी आ गया है जो हमने आपको बताया था। जैसा कि हमारा आकलन था, हमने, मेरे एडिटर अजय सैनी जी और हमने एक आकलन निकाला था कि कुलवीर बेनीवाल इनेलो के होंगे। कांग्रेस का कोई भी नया चेहरा आ सकता है, वो आया। और जैसे कि हमने बताया था कि विनोद भैना जी बहुत टिकट के नज़दीक हैं तो विनोद भैना जी को टिकट मिली। उसके बाद JJP के राहुल मक्कड़ का हमने नाम लिया था, वो भी मिला। हमारा टिकटों के मामले में आकलन 90% 100% मैं नहीं कहता, 90% अजय सैनी जी ने जो टिकटों के बारे में एग्जिट निकाला था वो 90% हमारा सही गया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं एक नए शख्सियत के साथ। कीजिए इंतजार, राजीव बंसल का प्यार नमस्कार।